Greetings 12th class political science students, welcome back to our channel. Hope you all are doing great, and today we are here with the NCERT solution for the chapter Recent Developments in Indian Politics. I hope chapter is clear to all of you, and if you are able to understand the chapter, you will be able to answer the question along with me only, right? I hope you have seen the chapter and all the scenarios which were existing in the politics of our country, all those incidents and all those problems which were existing at that particular time, all these things are clear to all of you. So today we are going to do question answer for the chapter, that is Recent Developments in Indian Politics. So let us start now. So let us start with first question. It is asking from you, unscramble a bunch of disarranged press clipping file of Onni Moni. आपको क्या गिवन है? कुछ प्रेस की क्लिपिंग्स गिवन है जो क्या है, अनस्क्रैम्बल है, डिसअरेंज्ड फॉर्मेट में है. आपको अनस्क्रैम्बल करना है उन बंच ऑफ डिसअरेंज्ड प्रेस क्लिपिंग्स का और उनको सीक्वेंस में अरेंज करना है. समझ आया क्वेश्चन? जस्ट आपको डिसअरेंज्ड फॉर्मेट में प्रेस की क्लिपिंग्स गिवन है, एंड व्हाट इज द वर्क दैट यू विल हैव टू अरेंज देम, राइट? एंड अरेंज द फाइल क्रोनोलॉजिकली. आपको सीक्वेंस में इन सारी की सारी चीजों को मेंशन करना है. क्वेश्चन क्लियर? फाइन. ओके, नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट मंडल रिकमेंडेशंस कब आई और उसके अगेंस्ट में जो एंटी रिजर्वेशन हमारी कंट्री में फिर सेंटीमेंट्स अराइज हुए थे ना, वो स्पेशली आपसे पूछा गया. तो आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा था, आई थिंक यू शुड रिकॉल कि 1979 में हमारी क्या हुई थी, मंडल कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशंस रिप्रेजेंट की थी, बट उसके बाद क्या हुआ था, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के कलेप्शन की वजह से ये चीजें इंप्लीमेंट नहीं हो पाई थी, राइट? उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ जनता दल, ये फॉर्मेशन कब हुई थी, दैट वाज इन द ईयर ऑफ 1988, राइट? अब देखो फिर क्या है, देखो ये रिकमेंडेशन पहले आई लेकिन इसकी इंप्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग जो चीजें हैं ना, वो कहीं ना कहीं बहुत बाद में जाकर आई हैं, क्योंकि वो 1984 के अराउंड जाके आएंगी, वो है ना 1984-85 के अराउंड. क्यों आएंगी ऐसा? क्योंकि जब फिर 1984 में तो डिसीजन लिया जाएगा ना कि उसको हम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, उसके अगेंस्ट में फिर प्रॉब्लम्स अराइज होंगी, राइट? तो आपकी मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन आई एम टेलिंग कि वो 1979 में आई. अगर आप इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करोगे तो ये 1979 में आपका नहीं जाएगा. गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि जब इसको इंप्लीमेंट करने की बात होगी ना, तो ये चीजें आप इसमें कैलकुलेट करोगे, फाइन. उसके बाद आपका जब आप बात करते हो डिमोल्यूशन ऑफ बाबरी मस्जिद, पूरा इंसिडेंट पड़ा था बाबरी मस्जिद का 6 दिसंबर 1992, क्या क्या इंसिडेंट हुए थे, कितनी लार्ज स्केल पे मास किलिंग मैसेकर और सारी चीजें हुई थी, राइट? उसके बाद असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी, ये आपको बड़े अच्छे से याद होगा 31 अक्टूबर 1984 किया था हम लोगों ने, राइट? इससे पहले वाले चैप्टर में भी ऑपरेशन ब्लू स्टार के कहीं ना कहीं कॉन्सिक्वेंसिस के रिगार्डिंग हम लोग देख सकते हैं असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी, गॉट इट? उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ द एनडीए गवर्नमेंट, अब ये आपका कब बना? अब फॉर्मेशन ऑफ एनडीए गवर्नमेंट होती है आपकी स्पेशली 1998 में, राइट? उसके बाद गोधरा इंसिडेंट, ये गोधरा इंसिडेंट कब का है, इट इज ऑफ 2002 का, और फॉर्मेशन ऑफ द यूपीए गवर्नमेंट ये आपका कब है, 2004 में. जैसे कि एनडीए का अलायंस बन जाता ना, तो फिर अब कांग्रेस को भी अपनी एक टाइप से प्रेस्टीज बचाने के लिए एक अलायंस बनाना पड़ेगा, राइट? तो अब कांग्रेस का अलायंस कौन सा, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राइट? तो अब अगर आप इनको अरेंज करोगे तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा आपका, फॉर्मेशन ऑफ द जनता दल, राइट? उसके बाद आपका कौन सा हो जाएगा, इंदिरा गांधी का असैसिनेशन, दैट इज 1984. उसके बाद फिर आपका क्या हो जाएगा, मंडल कमीशन, जब एंटी रिजर्वेशन, वो सारी की सारी चीजें चलती हैं, है ना? क्योंकि इंदिरा गांधी जी की डेथ के बाद ये बोला गया था कि हम इन रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट करेंगे, तो उसके बाद ही कहीं ना कहीं पूरी की पूरी कंट्री में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, राइट? तो इसके बाद आपकी मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस आ जाएंगी. फिर 1992 में क्या हुआ, बाबरी मस्जिद का डिमोल्यूशन हो गया, राइट? फाइनली फिर क्या हुआ, अब फॉर्मेशन होती है एनडीए गवर्नमेंट की, कौन से ईयर में, 1998 में, राइट? जब अटल बिहारी वाजपेयी बनते हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर, राइट? फिर क्या हुआ, फिर हुआ गोधरा इंसिडेंट, और गोधरा इंसिडेंट कब हुआ, 2002 में, जो गुजरात में हुआ था, जिसमें बहुत लार्ज स्केल पे कहीं ना कहीं रिलीजियस सेंटीमेंट्स के बेसिस पे लोगों को मारा गया था, है ना? क्योंकि ऑल द इंसिडेंट ट्रेन का था, बट इवन देन इट वाज रिलेटेड टू द रिलीजियस सेंटीमेंट्स ऑफ द पीपल, ओके? लास्ट इज यूपीए गवर्नमेंट, जो आपका कब बना, 2004 में. होप ऑल द इंसिडेंट्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एंड यू आर ऑल्सो एबल टू अरेंज ऑल दीज सिनेरियोज अकॉर्डिंग टू देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स, फाइन, क्लियर?
नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये आपसे क्या पूछ रहा है, इस तरफ आपको ना कुछ वर्डिंग गिवन है, यहां पर आपको क्या गिवन है, उनके कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट्स और ये सारी चीजें गिवन है, राइट right? या फिर वो किस चीज से आप उसको कनेक्ट कर सकते हो, राइट? सो यू विल हैव टू मैच द थिंग, फाइन। अब देखो, फर्स्ट आपसे क्या पूछा गया, पॉलिटिक्स ऑफ कंसेंसस, मतलब कंसेंसस मतलब जहां पर लोगों की एक यस, एक जनरल अग्रीमेंट हो जाता है ना, कि यस ऑफ कोर्स ये सारी चीजें एग्जिस्ट कर रही है, बट इवन देन इफ यू वांट टू स्टे इन द कंट्री वी विल हैव टू गो विद दिस थिंग ओनली, देयर इज नो एनी अल्टरनेटिव ऑफ दैट। तो ये क्या था आपका, ये था आपका एग्रीमेंट ऑन इकोनॉमिक पॉलिसीज। क्यों था ऐसा, क्योंकि जब आप रीड करोगे, हमारी कंट्री में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज हो रही थी, और उन प्रॉब्लम्स के बीच में हम लोगों को क्या फील हो रहा था कि और सारी प्रॉब्लम्स तो चलो टैकल हो जाएंगी, बट कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जो सबसे फर्स्टली हम लोगों को क्या करनी है, हम लोगों को उनका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, और वो है हमारी कंट्री की इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अगर हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को प्रॉपरली टैकल नहीं करेंगे तो कंट्री में प्रॉब्लम्स अराइज ही होंगी, गेटिंग माई पॉइंट? तो इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए इसके रिगार्डिंग कि एटलीस्ट लोगों को ऑक्यूपेशन प्रोवाइड करवाने हैं, ऑक्यूपेशन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवानी है, इन सब के लिए कहीं ना कहीं इकोनॉमिक पॉलिसीज के रिगार्डिंग सारी पार्टीज में क्या हुआ है, इकोनॉमिक पॉलिसीज के रिगार्डिंग अग्रीमेंट हुआ था, राइट? जब आप लोगों ने 1991 के इलेक्टोरल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पढ़े थे, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, याद आया? तो उन सारी की सारी चीजों की रिगार्डिंग कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज में कंसेंसस बनी हुई थी, फाइन। उसके बाद बी स्टेटमेंट है आपकी, कास्ट बेस्ड पार्टीज। अब ये देखो क्यों अराइज होगी, ये अराइज होगी जब हमारी कंट्री में क्या हुआ, जब OBCs के रिगार्डिंग रिजर्वेशन की बात आई, है ना, जो ओबीसी कम्युनिटी है उसके रिगार्डिंग रिजर्वेशन की बात आई, राइट? जब कहीं ना कहीं मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट किया गया, तो अब क्या होना शुरू हो गया, अब जो पॉलिटिकल पार्टीज और उनके लीडर्स हैं, ऑल दे वर थिंकिंग कि अगर अब उनको ना पॉलिटिक्स में आना है, सो दे विल हैव टू टेक द सपोर्ट ऑफ दिस मास, है ना, लॉट नंबर ऑफ पीपल, दोज हु आर बिलोंगिंग फ्रॉम ओबीसी कैटेगरी स्पेशली, राइट? और इसलिए अब उनको क्या करना पड़ेगा, कास्ट बेस्ड पार्टीज बनानी पड़ेंगी, या अपनी पार्टीज को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि क्या हो, कंट्री में कहीं ना कहीं लोग उनको सपोर्ट करें, स्पेशली ओबीसी कम्युनिटी, जिसके रिगार्डिंग हम लोगों ने, याद आ रहा है, हम लोगों ने काशीराम जी के बारे में पढ़ा था, मायावती जी की पार्टी के बारे में पढ़ा था, जिसने यूपी जैसे स्टेट में कहीं ना कहीं ओवरकम किया फिर, राइट? बसपा बहुजन समाज पार्टी, गेटिंग माई पॉइंट? तो इसका मतलब क्या हुआ कि कास्ट के ऊपर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज की ग्रोथ होनी शुरू हो गई, राइट? और उसकी वजह से देखो क्या हुआ, उसकी वजह से राइज ऑफ ओबीसी होना शुरू हो गया। ऑफकोर्स अगर उनके नाम के, उनके लिए पॉलिटिकल पार्टीज बनना शुरू हो गई, तो ऑफकोर्स दे विल बी गेटिंग इंपॉर्टेंस और उनकी ग्रोथ होगी, फाइन। अब थर्ड है आपका पर्सनल लॉ एंड जेंडर इश्यू, जेंडर जस्टिस। ये आपका कौन सा था, दैट वॉज शाहबानो केस, याद आ रहा है, शी वॉज अ मुस्लिम वुमेन, राइट? She was a diverse woman also. और अब वो किस चीज के रिगार्डिंग डिमांड कर रही है, अब वो डिमांड कर रही है कि उसके हस्बैंड को उसको कुछ कंपनसेशन की फॉर्म में कुछ मनी ग्रांट करनी चाहिए, मनी प्रोवाइड करवानी चाहिए, बिकॉज फ्रॉम वेयर शी विल बी अरेंजिंग द मनी, राइट? तो इसलिए क्या हुआ, इसीलिए ये जो आपका पर्सनल लॉ जेंडर जस्टिस है, ये था आपका किससे रिलेटेड, शाहबानो केस से रिलेटेड, गॉट इट? फिर आपका ग्रोइंग रीजनल पार्टीज, ये आपका देखो क्या होगा, रीजनल पार्टीज कब बनेंगी, जब ग्रोइंग रीजनल पार्टीज हुई तो हमने क्या स्टडी किया था, उसका इंपैक्ट क्या स्टडी किया था पॉलिटिक्स के ऊपर, कि जो वोट्स थी ना वो डिवाइड होना शुरू हो गई, और जैसे ही वोट्स डिवाइड होना शुरू हो गई तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ा हमारी कंट्री के ऊपर, इसका इंपैक्ट ये पड़ा कि अब एक भी सिंगल पार्टी इस पोजिशन में नहीं थी कि वो मेजोरिटी गेन कर ले, और अगर ऐसा सिनेरियो होगा कोई भी सिंगल पार्टी मेजोरिटी गेन करने में सक्सेसफुल नहीं है, सो व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ दैट थिंग, कि अब कोएलिशन गवर्नमेंट बनेगी, गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि जब रीजनल पार्टीज अराइज होंगी तो क्या होगा, वोट्स का डिवीजन होगा, जब वोट्स का डिवीजन होगा तो कोई भी पार्टी मेजोरिटी गेन नहीं करेगी, अगर मेजोरिटी गेन नहीं करेगी तो ऑफकोर्स टू और थ्री पार्टीज विल कम टूगेदर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट, और ऐसी गवर्नमेंट को आप क्या बोलोगे, कोएलिशन गवर्नमेंट, क्लियर? आई थिंक कंप्लीटली क्लियर। उसके बाद लास्ट है सेशनिस्ट डिमांड ऑन अकाउंट ऑफ ट्राइबल आइडेंटिटी, ये बेसिकली आपका, अब आपका कौन सा ऑप्शन बच गया, दैट इज तमिलनाडु, जिसे आप उसको कनेक्ट कर सकते हो, जिसमें लोगों ने अपनी आइडेंटिटी के रिगार्डिंग डिमांड करनी शुरू कर दी, जब आप लोगों ने DMK, AIDMK, AIIDMK, वो सारी की सारी पार्टीज आप लोगों ने स्टडी कर ली, फाइन, आई होप क्लियर। अब जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हो, दिस इज स्टेट द मेन इशू इन द इंडियन पॉलिटिक्स इन द पीरियड आफ्टर 1989, पूरे के पूरे सिनेरियो आप लोगों ने पढ़े थे, है ना, क्या क्या प्रॉब्लम थे हमारी कंट्री के सामने,
अब आपसे क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिफरेंट कॉन्फिगरेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज दिस डिफर्स लीड टू, दिस डिफरेंसेस लीड टू। अब इसके अलावा क्या है, कौन कौन से डिफरेंट कॉन्फिगरेशन हैं पॉलिटिकल पार्टीज के जो इन सारी की सारी इसकी वजह से डिफरेंट मतलब डिफरेंटली लीड होते हैं, राइट? कौन कौन से इश्यूज थे और वो कौन कौन से डिफरेंट कॉन्फिगरेशन है पॉलिटिकल पार्टीज की, दिस डिफरेंस और वो डिफरेंसेस जो हुए ना उसकी वजह से क्या लीड हुआ, मतलब क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस निकले, राइट? फाइन, वो आपको बताना है कि कौन कौन सी टेंशन हुई और उसके बाद जब प्रॉब्लम्स हुई तो उसकी वजह से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए। तो अब देखो, सबसे पहले तो मेजर इश्यूज आपको आइडेंटिफाई करने कौन से थे 1989 में, ये सबसे पहले था एसेसिनेशन ऑफ राजीव गांधी लेड बाय डिस्टर्बेंस इन द कंट्री। याद आ रहा है हम लोगों ने कौन सा स्टडी किया था, पढ़ा था ना तमिल पीपल के लिए श्रीलंका में, है ना? तमिल मूवमेंट चल रहा था जब श्रीलंका में फॉर देयर राइट्स। तो कहीं ना कहीं राजीव गांधी ने हमने क्या किया था, अपनी मिलिट्री पीस आर्मी वहां पे भेजी थी, राइट? बट फिर उन लोगों ने कहीं ना कहीं क्या फील करना शुरू कर दिया कि हमारी इंटीग्रिटी पे एक डेंजर है, इसीलिए उन लोगों ने उन चीजों को कहीं ना कहीं अपनी इंटीग्रिटी के अगेंस्ट, अपनी सॉवरेंटी के अगेंस्ट मानना शुरू कर दिया। और यही माना जाता है कि उसी के रिजल्ट में, उसी के कॉन्सिक्वेंसेज में कहीं ना कहीं एक ह्यूमन बॉम्ब, है ना, सुसाइड बॉम्बर, जिन्होंने क्या किया, फाइनली असैसिनेशन करा दिया, किसका, राजीव गांधी जी का, है ना? तो ये था। और वो क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस इन द कंट्री, राइट? डी आप सेकंड क्या था, reservations granted by the Mandal Commission to the OBCs became a topic of high debate. और क्या हुआ, जो reservation था किसके regarding, आप लोगों ने पढ़ा था जैसे ही Mandal Commission की recommendations आएंगी, है ना, कि reservation को, और जब political parties ये बोलेंगे कि हम तो भी इनको ना reservation देने वाले हैं, उसका क्या impact पड़ेगा, उसका impact ये पड़ेगा कि बहुत सारी political parties problem feel करना शुरू कर देंगी, right? लोग भी वन प्रॉब्लम फील करना शुरू कर देंगे, दोज हु वर नॉट फ्रॉम ओबीसी कैटेगरी, क्योंकि उनको लगेगा कि एससी का ऑलरेडी रिजर्वेशन है, एसटी का ऑलरेडी है, ओबीसीज को भी मिल गया, तो अब हम लोग कहाँ स्टैंड करेंगे, राइट? इसलिए क्या हुआ, जैसे ही मंडल कमीशन की जो आपकी रिकमेंडेशंस थी उसको एक्सेप्ट किया गया, तो क्या हुआ, वो पूरी की पूरी कंट्री में एक हाई डिबेटेबल इशू बन गया। और कहीं ना कहीं वहां से हमारी कंट्री में कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होना शुरू हो गया। जैसे आप लोगों ने पढ़ा ना कि डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जिनका बेस ही कास्ट था, ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज बनना शुरू हो गई, फाइन, क्लियर? उसके बाद फिर क्या था, द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर कैरिड आउट इन इंडिया ड्यूरिंग 1991। मैंने आप लोगों को बताया था ये वो फेज है हमारी कंट्री का जहां सबसे ज्यादा डेवलपमेंट होने वाला है, है ना? पीवी नरसिम्हा राव, ही विल बी द प्राइम मिनिस्टर, इस टाइम पे वो प्राइम मिनिस्टर थे हमारी कंट्री में, है ना? उन्होंने क्या किया, उन्होंने फील किया, देखो ये वही टाइम पीरियड है जनरल कंसेंसस वाला, जब एटलीस्ट सारी पॉलिटिकल पार्टीज ये फील कर रही थी कि और जो प्रॉब्लम्स हैं दे आर एग्जिस्टिंग, बट एक प्रॉब्लम है इकोनॉमिक क्राइसिस, है ना, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, हम इकोनॉमिक बेसिस पे हम डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं, फॉर दैट वी शुड मेक दैट काइंड ऑफ पॉलिसीज कि एटलीस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाए। इसलिए फिर हम लोगों ने क्या किया, कहीं ना कहीं जो हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी थी ना उसको ओपन इकोनॉमी में कन्वर्ट किया था, हमने अपने गेट सभी के लिए ओपन कर दिए थे, है ना? और फिर क्या हुआ, फॉरेन कंपनीज आई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया, फॉरेन कंपनी एस्टैब्लिश हुई हमारी कंट्री में, और फाइनली क्या हुआ, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक प्रोस्पैरिटी हम लोगों ने यहां पर गेन की। और ये वो फेज है जहां हमारी कंट्री की जीडीपी की ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा थी। रीजन बिहाइंड इट कि हम लोगों ने जो पुरानी चीजें थी ना कि हमें अपनी इकोनॉमी को क्लोज रखना है, क्लोज इकोनॉमी बेसिकली कौन सी होती है, जब आप किसी और कंट्री की कंपनीज और या फिर रिप्रेजेंटेटिव्स को अपनी कंट्री में नहीं आने देते हो, स्पेशली इन द एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमी। लेकिन यहां फिर हमने क्या किया, अपने गेट्स को ओपन कर दिया, राइट? और इनको किस रिफॉर्म से जाना जाता है, टू बी नोन एज द एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इन रिफॉर्म्स के नाम से इनको जाना जाता है, फाइन। और लास्ट क्या था आपका, डिमोलिश ऑफ द बाबरी मस्जिद लेड टू द इंक्रीज इन टेंशन। और सबसे बड़ी टेंशन यहां राइज हुई जब क्या हुआ, बाबरी मस्जिद का डिमोलाइजेशन हो गया, राइट? डिमोलिशन हो गया। और डिमोलिशन के बाद क्या हुआ पूरी की पूरी कंट्री में, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, रिलीजन, राइट? और रिलीजन के बेस पे यहां पर प्रॉब्लम अराइज हुई थी। जब प्रॉब्लम अराइज होंगी तो इट मींस क्या होगा, ये ऑफ कोर्स इट विल लेड टू द टेंशन इन द कंट्री, समझ आया? तो जो चीजें थी क्या थी, राजीव गांधी की डेथ के बाद यहां से ही कहीं ना कहीं अलायंस गवर्नमेंट का एरा भी शुरू हो जाएगा हमारी कंट्री में, है ना, अलायंस और कोलिशन गवर्नमेंट का। रिजर्वेशन की जैसे ही रिकमेंडेशन के रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस की बात चलेगी, वैसे ही कंट्री में कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स होनी शुरू हो जाएगी, फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाएगी पॉलिटिकल पार्टीज की कास्ट बेस पे, राइट? और ये पूरी की पूरी हाई डिबेटेबल इश्यू बन जाएगा। उसके अलावा क्या होगा, 1991 के रिफॉर्म्स, एलपीजी रिफॉर्म्स, वो हम लोग लेके आए जिससे इकोनॉमी में एटलीस्ट वो हम लोगों ने बहुत ज्यादा बूस्ट किया,
और फाइनली क्या होगा, जब बाबरी मस्जिद का डिमोल्यूशन होगा उसकी वजह से टेंशंस और ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगी। तो ये बेसिकली ये थे आपके ये क्या थे आपके इंडियन पॉलिटिक्स में जो इश्यूज थे और उनसे हमारी पॉलिटिक्स पे क्या क्या इंपैक्ट पड़ा है ना, पॉलिटिकल पार्टीज ने इन चीजों को कैसे कैसे अपने एडवांटेजेस के लिए यूज करना शुरू कर दिया, ऑल दीज थिंग्स। फाइन, आई थिंक क्वेश्चन थर्ड इज क्लियर। अब आपसे फोर्थ क्वेश्चन पूछा जाता है, इन द न्यू एरा ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स, अब न्यू एरा शुरू हो गया कोलिशन पॉलिटिक्स का, पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट अलाइनिंग और रियलाइजिंग ऑन द और रीअलाइन ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी। अब जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना वो अलाइन नहीं हो रही किसी आइडियोलॉजी के बेसिस पे, एक नया एरा शुरू हुआ है। व्हाट आर्ग्यूमेंट्स वुड यू पुट फॉरवर्ड टू सपोर्ट और अपोज दिस स्टेटमेंट, मतलब आप लोगों ने पढ़ा था ना, हम लोगों ने स्टेटमेंट पढ़ी थी कि अब हमारी कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज क्यों बन रही हैं, अब हमारी कंट्री में आइडियोलॉजी का इंपॉर्टेंस नहीं रह गया, अब सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज ये देख रही हैं कि उनको कहां से इंपॉर्टेंस मिला, उनको कहां से बेनिफिट मिल रहा है। और अगर उनको लग रहा है कि यस वी आर गेटिंग द बेनिफिट, तो ऑफकोर्स क्या हो रहा था, ऑफकोर्स वो उसी पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन कर रही थी। हमने ऐसी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज के भी अलायंस देखे जिनकी आइडियोलॉजी के भी मैच ही नहीं करती थी, बट इवन देन दे वर कमिंग टुगेदर, क्यों, क्योंकि उनको गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन चाहिए था। गेटिंग माई पॉइंट, इसलिए क्या हुआ कहीं ना कहीं, इसलिए ऐसा सिस्टम है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी अलाइन हो रही विदाउट एनी प्रॉपर बेस ऑफ आइडियोलॉजी। तो अब आप कौन से आर्ग्यूमेंट दोगे, आपको या तो स्टेटमेंट को सपोर्ट करना है या फिर उसको आर्ग्यू करना है, राइट? तो देखो, द पॉलिटिकल पार्टीज हैव स्टार्टेड मेकिंग प्रैक्टिकल डिसीजंस रादर देन स्टिकिंग टू द स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजिकल बेसिस। देखो, जब आप हमारी कंट्री की बिल्कुल इनिशियल फेज देखते हो, हमने क्या देखा, आइडियोलॉजीज का इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा था, है ना, आइडियोलॉजीज के नाम पे पॉलिटिकल पार्टीज डिवाइड हो रही थी। आपने इवन सोशलिस्ट पार्टी का भी डिवीजन देखा था, प्रजा सोशलिस्ट और पता नहीं कितनी सोशलिस्ट पार्टी बन गई थी, राइट? लेकिन यहां आते आते सिनेरियो ऐसा हो रहा है कि अब पॉलिटिकल पार्टीज को ना आइडियोलॉजी से मतलब नहीं है, अब उनको जस्ट इस बात से मतलब है कि उनको पॉलिटिकल पार्टीज में बने रहना है क्योंकि वो पॉलिटिक्स में एंटर करना चाहते हैं, समझा? यानी कि अब उन्होंने प्रैक्टिकलिटी के बेस पर डिसीजन लेना शुरू कर दिया कि इससे बेटर है कि हम एक पर्टिकुलर डिसीजन पे हम स्टिक रहे, चिपके रहे, उससे बेटर तो ये है कि हम क्या करें, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ऐड हो जाएं। ऑल तो हमारी आइडियोलॉजी मैच नहीं हो रही, हमारे आइडियाज कंप्लीटली डिफरेंट हैं, बट इवन देन वी कैन बी टुगेदर, क्यों, क्योंकि हमें गवर्नमेंट बनानी है, हमें पावर को यूज करना है, समझा? इट मीन्स क्या, वो पॉलिटिकल पार्टीज ने डिसीजंस बनाने शुरू कर दिए किसके बेसिस पे, प्रैक्टिकलिटी के बेसिस पे, प्रैक्टिकलिटी के बेसिस पे, और अब वो चिपके नहीं रहना चाहती किसी स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजिकल बेसिस से, राइट? अब फिर क्या था, द फोकस ऑफ द पॉलिटिक्स हैव चेंजेस फ्रॉम आइडियोलॉजिकली पैरामीटर टू द पावर शेयरिंग एग्रीमेंट। अब हमारा जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो भी चेंज हुआ। अब देखो वो कैसे चेंज हुआ, पहले जो आइडियोलॉजिकल पैरामीटर्स होते थे, लेकिन अब कैसे, पावर शेयरिंग, पहले आइडियोलॉजी इंपॉर्टेंस थी, आइडियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस था। आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि कांग्रेस को हमने अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बोला बिकॉज ऑफ इट्स आइडियोलॉजी, सोशलिस्ट पार्टी अलग थी बिकॉज ऑफ इट्स आइडियोलॉजी, है ना? कुछ लोगों को फील हुआ कि सोशलिस्ट पार्टी वर्क नहीं कर पा रही, फिर उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनाई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट बनाई, और बेस क्या था उसका, दैट वॉज आइडियोलॉजी ओनली। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। उनको ये नहीं मतलब है कि आपकी आइडियोलॉजी कैसी है, उनको जस्ट ये मतलब है कि हमें तो गवर्नमेंट का पार्ट बनना, दैट वॉज द बेसिक रीजन एंड दैट वॉज द बेसिक इंटेंशन ऑफ द पीपल दोज हु वर एग्जिस्टिंग इन द पॉलिटिक्स एट दैट पर्टिकुलर टाइम, राइट? अब देखो, दिस कैन बी सीन ड्यूरिंग द रूलिंग ऑफ द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इन दिस गवर्नमेंट बीजेपी वॉज द डोमिनेंट पावर, मैनी पार्टीज डिड नॉट अग्री विद द हिंदुत्व आइडियोलॉजी ऑफ बीजेपी, इंस्टेड दे केम टूगेदर टू फॉर्म द गवर्नमेंट। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपने यही देखा था जब एनडीए की गवर्नमेंट बनी, है ना? हमने क्या पढ़ा था, मैंने आप लोगों को बोला था कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंतबा जोड़ा, है ना, यही चीज थी ना, मतलब क्या था कि पॉलिटिकल पार्टीज भले उनकी आइडियोलॉजी मैच ना हो, भले उनके आइडियाज एक दूसरे से कंप्लीटली ऑपोजिट हो, है ना? देखो सपोज आप लोग क्या फील करते हो कि अगर मान लिया आपके कोई फ्रेंड्स हैं, है ना, और कोई और दूसरी क्लास का बच्चा भी है, राइट? तो आप देखो क्या करोगे, आपकी क्लास में बेशक से ही आप लोगों के मतलब कहीं ना कहीं आइडियाज मैच नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आप एक हो जाते हो अगर किसी दूसरी क्लास की बात आती है, है ना? यहां पर कई बार ऐसे सिनेरियो बनता है कि सिर्फ कांग्रेस को बाहर निकालना है, तो आपका आइडियोलॉजी से कोई मतलब नहीं है कि आपकी आइडियोलॉजी बीजेपी के साथ मैच हो रही है नहीं हो रही, आप आ जाओगे। जब बीजेपी को बाहर निकालना होगा तो सेम सिनेरियो विल बी देयर,
मतलब क्या जब एनडीए के अलायंस को बाहर निकालना होगा तो यूपी के अलायंस में भी ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंटर हो जाएंगी। मतलब ये सबसे लार्ज स्केल पे आपने एक देखा कि जब एनडीए की गवर्नमेंट बनती है, यहाँ पे बीजेपी हालांकि डोमिनेंट में थी बट इवन देन बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज थी जिनके आइडियाज मैच ही नहीं हो रहे थे, बट इवन देन लोगों ने फील किया कि नहीं भाई हमें क्या करना है, हमें तो गवर्नमेंट बनानी है, और गवर्नमेंट बनानी है तो उसके लिए क्या है, भले वो हिंदुत्व आइडियोलॉजी को अपोज करते थे बट इवन देन दे केम टुगेदर। फाइन, समझ आया? तो ये वो फेज था हमारी पॉलिटिक्स का जहां हम लोगों ने आइडियोलॉजीज को साइड रखा और क्या कर दिया, जस्ट इंपॉर्टेंस दिया पावर्स को। फाइन, कि कैसे हम लोगों को पावर में एंटर करना है, गॉट इट? उसके बाद आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 इज क्लियर। मतलब आपको क्या याद रखना है कि आइडियोलॉजीज का इंपॉर्टेंस डिक्रीज होता जा रहा था और जो इंपॉर्टेंस इंक्रीज हो रहा था वो था पावर का। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 5 इज आस्किंग फ्रॉम यू, ट्रेस द एमर्जेंस ऑफ बीजेपी एज अ सिग्निफिकेंट फोर्स इन द पोस्ट इमरजेंसी पॉलिटिक्स। आपको बताना है बीजेपी कैसे इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट फोर्स बन गई पोस्ट इमरजेंसी पॉलिटिक्स में। इमरजेंसी वाला पूरा सिनेरियो आई थिंक याद है, 1975 याद आ रहा है। तो अब देखो ये क्या है, आपको बताना है कि वो कैसे इमर्ज हो गई एक पोस्ट इमरजेंसी पॉलिटिक्स में, बीजेपी का इमरजेंस कैसे हुआ। राइट, क्वेश्चन क्लियर? अब देखो, द एमर्जेंस ऑफ बीजेपी एज अ सिग्निफिकेंट फोर्स इन पोस्ट इमरजेंसी पॉलिटिक्स हैज बीन डिस्क्राइब्ड बिलो। आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो? अब देखो, फेलियर ऑफ जनता पार्टी एंड इट्स ब्रेकअप, वन सेक्शन ऑफ सपोर्टर फ्रॉम जनता ऑफ जनसंघ फॉर्म द भारतीय जनता पार्टी। देखो पहले क्या हुआ था, जनता पार्टी की फॉर्मेशन हुई थी ना, मैंने आप लोगों को जहां पर बताया था कि यही वो पार्टी है जिसकी वजह से लीड होके कहीं ना कहीं जो रूट्स हैं आपके बीजेपी के। तो जैसे ही जनता पार्टी का ब्रेकअप हुआ तो एक सेक्शन था जिसने जनसंघ को सपोर्ट किया, है ना, एक जो जनसंघ का एक सपोर्टर था उसने क्या फॉर्म कर दी, भारतीय जनता पार्टी 1980 में फॉर्म कर दी। यहां फॉर्मेशन हो गया आपकी बीजेपी, समझ आया? लेकिन आपको बताना कि कैसे एक इंपॉर्टेंट फोर्स बन गई। राइट, फिर क्या है, द बीजेपी अडॉप्टेड अ ब्रॉडर पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म देन दैट ऑफ द जनसंघ टू गेन सपोर्ट फ्रॉम मोर सेक्शन ऑफ द पीपल। अब देखो, अगर ये ऑफकोर्स जनसंघ से अलग हुए तो इनको क्या करना पड़ेगा, इनको ऐसी आइडियोलॉजी दिखानी पड़ेगी ना कि हम उनसे क्यों अलग हैं, हम क्यों अलग हुए थे। इट मींस दे विल ट्राई टू शो दोज काइंड ऑफ थिंग्स ना, बाय विच दे कैन अटेन द अट्रैक्शन ऑफ द पीपल फ्रॉम द लार्ज सेक्शन ऑफ द पीपल। राइट, और इन्होंने क्या बोला, इन्होंने एम्ब्रेस किया गांधीयन सोशलिज्म को एंड इट्स आइडियोलॉजी। हाउएवर, इट कुड नॉट गेट मच सक्सेस इन द इलेक्शन हेल्ड इन 1980 एंड 1984। इन्होंने क्या बोला कि हम जो गांधीयन सोशलिज्म है ना उसको एम्ब्रेस करते, उसको प्रेस करते एक टाइप से, लेकिन फिर भी क्या हुआ, इन्होंने स्टार्टिंग में जब लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश की तो लोगों ने इनकी बातों को एक्सेप्टेंस नहीं दी। रिजल्ट क्या निकला, 1980 और 1984 के इलेक्शंस में इंपॉर्टेंस नहीं मिला, सक्सेस नहीं मिली। फाइन, क्लियर? फिर क्या होता है, आफ्टर 1986 सिचुएशन क्या हुई, द पार्टी बिगेन टू एम्फसाइज द हिंदू नेशनलिस्ट एलिमेंट्स एंड इन इट्स आइडियोलॉजी। अब यहां से बेस मिलना शुरू हो जाएगा बीजेपी को। अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने इम्फेसाइज करना शुरू कर दिया। क्या इम्फेसाइज किया, कि हम हिंदू नेशनलिस्ट एलिमेंट अपनी आइडियोलॉजी में सेट कर रहे हैं, मतलब हिंदुत्व को इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दिया। एंड द पार्टी परस्यूड द पॉलिटिक्स ऑफ हिंदुत्व एंड अडॉप्टेड द स्ट्रेटजी ऑफ मोबिलाइजिंग द हिंदू। अब उन्होंने सेंटर में, क्योंकि देखो उन्होंने क्या फील किया कि हमारी कंट्री की क्रक्स क्या है, क्योंकि जो फॉर्मेशन है उसमें ऑफकोर्स हिंदू मेजोरिटी में, अगर वो सिर्फ हिंदू लोगों को भी अपने साथ कंबाइन कर लेते ना तो ऑफकोर्स देर इज नॉट डाउट कि उनको जीत पाने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए उन्होंने क्या किया, हिंदुत्व की पॉलिसी को अडॉप्ट किया और फाइनली हिंदूज लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू किया। राइट, जैसे अब देखो गवर्नमेंट ने क्या किया, बीजेपी क्रिटिसाइज द, बीजेपी अभी तक गवर्नमेंट में नहीं थी तो बीजेपी ने क्या किया, क्रिटिसाइज द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट एज एन अननेसेसरी कंसेशन एंड अपीजमेंट पॉलिसी ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी इन 1985 शाहबानो केस एंड ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब उन्होंने क्या कहीं ना कहीं एक टाइप से गवर्नमेंट के एक्शन को, अब देखो क्या है कि लोगों के रिलीजियस एस्पेक्ट्स में इंटरफेयर करे जब शाहबानो का केस आया था, है ना, तो मतलब स्पेशली उन्होंने क्या इंपॉर्टेंस देना शुरू किया, उन्होंने हिंदुत्व को तो इंपॉर्टेंस दिया लेकिन उन्होंने रिलीजन को अपनी ना आइडियोलॉजी का, अपने एजेंडा का बेस बना दिया और उसी के बिहाफ पे लोगों से वोट्स मांगना शुरू कर दी। एंड ऑफ कोर्स दैट हैज वर्क्ड फॉर देम वेरी वेल। राइट, फाइन, फिर देखो क्या हुआ, एट द सेम टाइम अयोध्या इशू वॉज मेड अप बाय द बीजेपी एंड इट्स मेजर इलेक्टोरल एंड पॉलिटिकल प्लान। फिर क्या हुआ, जैसे ही अयोध्या इशू था, क्योंकि क्या बोला गया कि जो अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद थी ना वो क्यों बनी, क्योंकि वहां पे पहले कोई राम मंदिर था, उसको डिस्ट्रॉय करके बाबर ने वहां पे मोस्क बनाई थी, बाबरी मस्जिद बनाई थी। राइट, लेकिन फिर क्या किया, इन्होंने सेम टाइम पे वो इशू उठा दिया
अपना इम्पोर्टेंट, और आप भी अब मतलब आप लोगों ने अब तो 2019 के इलेक्शन हुए तो आप लोग आई थिंक यू वर एबल टू अंडरस्टैंड है ना कि वहां पर भी राम मंदिर का कितना इंपॉर्टेंस हुआ, गेटिंग माई पॉइंट? तो ऑफकोर्स जो हिंदुत्व वाली आइडियोलॉजी वो इन लोगों ने अभी तक पकड़े हुए, राइट? द बीजेपी इन ऑर्डर टू जनरेट पब्लिक सपोर्ट टुक आउट द रथ यात्रा फ्रॉम सोमनाथ इन गुजरात टू अयोध्या यूपी, और फाइनली क्या हुआ, उन्होंने रथ यात्रा भी निकाली थी ना, याद आ रहा चैप्टर में जो हमने कहीं ना कहीं क्या फील किया था कि एक रिलीजियस कंट्री में जिसको आप सेक्युलर मानते हो वो रथ यात्रा इंपॉर्टेंट नहीं थी, और उन्होंने क्या बोला था कि हम मंदिर बनाएंगे, और इसी चीज के रिगार्डिंग उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी रथ यात्रा निकाली थी, राइट? याद आ रहा है? लेकिन फिर भी ये चीजें हुई हमारी कंट्री में। तो द सेंटर ऑफ द बीजेपी इज हिंदुत्व ओनली, फाइन? फिर क्या हुआ, एज अ रिजल्ट ऑफ अबव इवेंट्स द बीजेपी वॉज एबल टू कंसॉलिडेट इट्स पोजिशन इन द ऑफन इलेक्शन ऑफ 1989, 1991, 1996, 1999। फाइनली क्या हुआ, कहीं ना कहीं बीजेपी को अपनी पोजिशन मिलना शुरू हो गई, राइट? और 1996 में तो वो गवर्नमेंट बना लेंगे, वो अलग बात है, वो कोलैप्स हो जाएगी, राइट? फिर 1991 में और 1999 में भी गवर्नमेंट बनेगी, सारी की सारी चीजें है ना, लेकिन वो एक इंपॉर्टेंट पोजिशन में आना शुरू हो गई थी फाइनली, राइट? फिर देखो क्या हुआ, कंप्लीट मेजॉरिटी इन द लोकसभा इलेक्शंस ऑफ 2004, और फाइनली क्या हुआ, यहां तक तो कई बार गवर्नमेंट बनी, कोलैप्स हुई, बनी, कोलैप्स हुई, वो चीजें चलती रही, और लेकिन फाइनली फिर क्या होता है, फाइनली 2014 के इलेक्शन में कंप्लीट मेजॉरिटी के साथ अब हमारी कंट्री की पॉलिटिक्स को लीड करने, नॉट ओनली इन द 2014 इलेक्शन बट इन द इलेक्शन ऑफ 2019 ऑल्सो, एंड लेट अस सी व्हाट विल हैपन इन द इलेक्शन ऑफ 2024, राइट? तो क्या याद रखना आपको, बीजेपी के जो सेंटर है, व्हाट इज द सेंटर, द सेंटर इज हिंदुत्व, ऑल द थिंग्स वट एवर दे आर सेइंग, वट एवर दे आर रिप्रेजेंटिंग, दैट इज रिलेटेड टू द हिंदुत्व, राइट? और इसी बेस पे वो लोगों से वोट्स डिमांड भी करते हैं, राइट? आप लोगों ने इनके स्लोगन्स भी देखे होंगे, और यू कैन सी द बिगेस्ट एग्जाम्पल कि एक सेक्युलर स्टेट है हमारा, हमारे इंडिया, बट उसमें एक, अगर आप यूपी में देखते हो तो एक ऐसा पर्सन जो डायरेक्टली हिंदुत्व को सपोर्ट करता है, वो पर्सन सीएम बने हुए हैं, राइट? Although he is elected by the people, but even then, क्या religious symbol को आप एक ऐसी authority पे बैठा सकते हो? तो you can think कि किस type की politics BJP कर रही है, you can think कि वो हिंदुत्व को support कर रही है, and that agenda is working very well also, that has worked 2 times, right? And let us see what will happen in 2024. Okay, so in this video we are able to complete 5 questions. I hope all these 5 questions are completely clear to all of you. If you are having doubts, you can ask your doubts and queries in comment section. We will meet in next video with the rest of the questions from the same chapter only. Okay? If you are able to understand, please like the video and subscribe the channel as well. We will meet in next video with the rest question. Till then, you can revise the chapter, or you can revise the question answer. And the most important thing, stay connected. Thank you. Thanks a lot.